नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जिन्जो टीवी। तो गाइज नया अपडेट आ चुका है, एक्चुअली स्नीक पीक ये और ये स्नीक पीक 4 भी आप कह सकते हो। लगभग एक घंटे पहले डेरियन ने कुछ पोस्ट किए हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और एक गिवअवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है, उस पर पार्टिसिपेट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक होगा आई थिंक, और अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आ जाना, हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है, हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे। तो कैसे पार्टिसिपेट करना है ये सब हम लोग डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे बिजली करेक्ट रही है गाइस। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस में आप देख सकते हो स्प्रिंग 2020 अपडेट्स में, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अटैच किया गया है, ठीक है, क्लैन कैसल में आप मतलब गलत ट्रूप्स मतलब आपको मिलते जा रहे थे, ठीक है, मतलब रॉन्ग डोनेशन चल रहा था, ठीक है, आपको पसंद नहीं था कि ये ट्रूप्स आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको दूसरा मतलब आपको चाहिए गोलेम तो उसके जगह आपको दो आइस गोलेम दे दिए, ठीक है, मतलब ऐसे चीज़ें हो रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए क्लैन कैसल में एक नया सेटअप किया जाएगा, ठीक है, वो उसके बारे में खुलासा तो अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन आप रॉन्ग डोनेट नहीं करवाओगे, ठीक है, ये एक नया चीज़ अटैच करेगा, ठीक है। और नीचे देखो ओनली अलाउ मैक्स लेवल डोनेशंस, यहाँ पे एक टिक मार्क है, ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से, और ये इससे आपको मैक्स डोनेशन ही मिलेंगे, ठीक है, एकदम। और नीचे आप ट्रूप्स का खैर मतलब कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि हाँ ये +1 +1 +1 मतलब यही सब आप देख सकते हो। इसके बारे में हम लोग अपडेट्स आने के बाद हम लोग डिटेल में एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ओके। अभी जो देख सकते हो कि वार में जब आप क्लैन कैसल या रेड में जब क्लैन कैसल ड्रॉप करते हो तब एक मतलब कोई सिस्टम नहीं था, मतलब सीसी ट्रूप्स ऐसे ही निकल आते थे, लेकिन अभी जो लोएस्ट हाउसिंग स्पेस है, मतलब अगर बारबेरियन और पेका है तो पहले पेका निकलेगा उसके बाद पहले बारबेरियन निकलेगा उसके बाद पेका निकलेगा, सॉरी गाइज, फाइनली बाय लोएस्ट लेवल, ओके। और लोएस्ट लेवल जो है उन दोनों में से सबसे पहले वो निकलेगा, ठीक है, मतलब लेवल एक का बारबेरियन है, लेवल दो का बारबेरियन है और एक पेका है। लेवल एक का बारबेरियन पहले आएगा, लेवल दो का बारबेरियन उसके बाद आएगा, उसके बाद पेका आएगा, ठीक है। ये सिक्वेंस में अभी ट्रूप्स ड्रॉप होंगे, ओके। तो न्यू हीरो स्किन यू आई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड मोर यूजर फ्रेंडली, ठीक है, मतलब आपने ढेर सारे स्किन खरीद रखा है, 3-4 स्किन खरीद रखे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सेटअप अटैच किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो अभी मतलब जो भी स्किन आप खरीदोगे तो उसके लिए एक स्लाइड बार जैसा कुछ बनाया जाएगा, ठीक है, आप उसको टच करके आप अपने हीरोज जो है उसको चूज कर सकते हो, आपके जो स्किन से उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। आपके प्रोफाइल के अंडर मतलब प्रोफाइल के नीचे एक हीरो प्रीव्यू एक टैब दिया जाएगा, ये बिल्कुल नया है, और उससे आप सॉरी तो उससे आप मतलब देख सकते हो कि आपके पास कौन सा ट्रूप्स है, कौन सा ट्रूप्स नहीं है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। वी एडेड ए न्यू हीरो प्रीव्यू विंडो अंडर योर विलेज प्रोफाइल टैब, ठीक है, ये नया अटैच किया जाएगा, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। अभी कुछ और अपडेट्स है, न्यूज़ है, ठीक है, जैसे कि रिसर्च पोशन पहले 10x मतलब 10x स्पीड में काम करता था, ठीक है, मतलब 10 घंटे का काम एक घंटे में होता था, अभी 24 घंटे का काम एक घंटे में होगा, ठीक है, मतलब पूरा दिन का काम एक घंटे में होगा, और उसका जो कॉस्ट था वो 70 जेम्स था, उसको इंक्रीज करके 120 जेम्स कर दिया गया है ट्रेडर्स डेली डील्स पे, ठीक है। जब दूसरा जो न्यूज़ है वो है क्लैन गेम्स में जब रिवार्ड्स क्लेम करते हो, अगर आपके पास उस चीज़ का मतलब बुक ऑफ हीरोज मान लो कि आपको दिया जा रहा है और आपके क्लैन कैसल में वो ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब आपके टाउन हॉल में वो ऑलरेडी है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक बुक ऑफ हीरोज है लेकिन आपको क्लैन गेम में क्लेम करना है तो आप पहले क्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है, आपको पहले सेल करना पड़ता था उसके बाद जाके आपको खरीदना मतलब लेना पड़ता था क्लैन गेम से, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप सीधा सेल कर सकते हो, क्लैन गेम के जो रिवार्ड सेक्शन है वहाँ से आप सीधा जेम्स के बदले में सेल कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग क्लैन कैसल ट्रूप्स टू फ्रेंडली चैलेंज खेलने के लिए आपको क्लैन कैसल ट्रूप्स फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों से लेके फ्रेंडली चैलेंज खेलने पड़ेंगे, ठीक है, आपको ट्रूप्स फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है। मेन विलेज लेआउट्स दैट वुड नॉर्मली बी प्रिवेंटेड ड्यू टू ऑब्स्टकल बींग इन द वे विल बी अलाउड टू फ्रेंडली वार्स, ठीक है। फ्रेंडली वार में अभी भी मतलब होम विलेज में जो ऑब्स्टकल्स हैं वो मतलब रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, आई थिंक, ओके। When you purchase or acquire a hero skin, it will automatically open that hero skin UI to allow you immediately swap skin. मतलब अगर आप कोई हीरो स्किन खरीदते हो या लेते हो तो ऑटोमेटिकली एक स्किन चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप इंस्टेंट हीरो का जो स्किन है वो चेंज कर सकते हैं। ये भी उतना खास नहीं है, ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। द क्लैन वर्ल्ड लीग स्क्रीन इन द चैम्पियन लीग्स विल बी इनएक्सेसिबल टू एनी मेम्बर्स विदाउट ए रोल एंड हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लैन लीग रोस्टर,
register. This is to prevent or minimize opposing clan infiltrating or spying on their rivals by joining their opponent's clan. Okay, क्लैन वाल लीग के जो जो चैंपियन लीग का जो स्क्रीन है वो लॉक जैसा कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग वार में सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं लोगों को सिर्फ दिखाई देगा, अदरवाइज बाहर के जो कोई भी मेंबर्स है या कोई नए क्लैन पे आए हैं या क्लैन वार पे अभी नहीं है तो उन लोगों को ये सब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर के जो क्लैंस हैं उस क्लैन पे मतलब आप स्पाइंग करने ना जाओ, ठीक है, स्पाइंग करने ना जाओ, वही चीज़ को रोकने के लिए ऐसा सिस्टम किया गया है, ठीक है। ग्रैंड वार्डन का एआई, ठीक है, मतलब ग्रैंड वार्डन का जो कोडिंग है इसको थोड़ा ठीक किया गया है। ग्रैंड वार्डन ईटी मैक्स के पीछे भाग रहा था बहुत जल्दी, मतलब बाकी के जो ट्रूप्स हैं उसके पीछे ना भाग के ईएटमाइट्स के पीछे भाग रहा था, ठीक है, उसको अब थोड़ा ठीक कर दिया गया है, ठीक है। ईगल आर्टिलरी विल गिव लेस प्रायोरिटी टू टारगेट टू ईएटमाइट्स, ठीक है। अब ईगल आर्टिलरी ईएटमाइट्स को अभी कम प्रायोरिटी देगा, ठीक है, मतलब अगर सामने पेका हो ईएटमाइट्स हो तो पहले पेका को टारगेट करेगा उसके बाद ईएटमाइट्स को करेगा, ठीक है, यही जरूरी है, ठीक है। मेक वार्डन लेस लाइकली टू फॉलो हेल्प अदर हीरोज, ठीक है, तो मतलब वार्डन बाकी के जो हीरोस हैं उनको टारगेट करने के लिए मतलब ये यहाँ पे एआई को थोड़ा ठीक किया गया है, ठीक है। आप वार्डन ज़्यादातर ट्रूप्स के तरफ फोकस करेगा, ठीक है, जो कि आपका मेन ट्रूप्स है उन पे फोकस करेगा ज़्यादा, ठीक है, हीरोस को छोड़ के, ठीक है। तो यही था कुछ बेसिक अपडेट्स और आई थिंक आगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। हम लोग जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को बनाने की कोशिश करें, अभी बाहर बिजली कड़क रही है खैर, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग अपडेट करेंगे, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आई थिंक अपडेट्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग जरूर इंतज़ार कर रहे होंगे शायद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।